पे अरे कॉटन के बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे यार। काय तुम्ही पुणेकर यार, कॉमेंट मध्ये मला सांगत पण नाही, सजेस्ट पण करत नाही, एवढे एवढे छान छान मिळतात तुमच्याकडे। 100 रुपीज। हाँ उनकी बोनी हो गई। साइज 300 से आएगा बोल रहे हैं और ये 5XL तक आएगा। कलर प्रिंट कुछ भी जाएगा, 2 महीने के बाद भी लाएंगे तो रिटर्न दिया जाएगा। जयपुर से डायरेक्ट आता है कुछ बॉम्बे से, जयपुर बॉम्बे सूरत अहमदाबाद से भी। 1350 साल लेंगे। आज मुझे बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स मिले यार तुलसी बाग में। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज प्रियंका नाइक ब्लॉग। और आज मैं आई हूँ पूना में शॉपिंग करने के लिए। तुलसी बाग मतलब पूना आया तो ऑब्वियसली तुलसी बाग आता ही है हमेशा। मतलब MG रोड, FC रोड है, फैशन स्ट्रीट है, पहले तो मुझे तुलसी बाग ही जाना है, इसलिए मैं तुलसी बाग से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने किया था तुलसी बाग और MG रोड का, ठीक है। अभी सुबह के बजे 10:30 बजे। तो लैंडमार्क के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पे आप 2-3 जगह से अंदर के साइड जा सकते हो तुलसी बाग, बट मैं यहाँ से जा रही हूँ, यहाँ के अंदर के लेन से। लास्ट टाइम उस साइड से गई थी, मतलब सवाई लिखा है, सवाई मसाले करके, तो इस लेन से मैं जा रही हूँ। लास्ट टाइम मैं फुल मार्केट वाला जो लेन था वहाँ से गई थी, ठीक है। अभी चलते हुए दिखा देती हूँ क्या क्या मिल रहा है वो। लास्ट टाइम मुझे पर्सनली ज्वेलरी बहुत पसंद आई थी, मतलब क्लोथ्स के लिए इतना नहीं था बट ज्वेलरी के लिए बेस्ट था। तो देख लेते हैं इस टाइम क्या क्या मिलता है मुझे देखने के लिए, यूनिक चीज़ है। और 10:30 हुआ है तो पता नहीं मार्केट मतलब अंदर के साइड शॉप्स ओपन हुए हैं नहीं, पर मुझे तो थोड़ी बहुत दिख रही है, मतलब थोड़े बहुत ओपन हो रहे हैं, मतलब देख सकते हो यहाँ पर। आ जाओ, यहाँ पे दुपट्टे सारे, मतलब पूना में और दुपट्टा किसी ने लड़की ने वेयर नहीं किया ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मैं जहाँ पे देख रही हूँ ना सारे लोग दुपट्टे वेयर करके घूम रहे। आई डोंट नो बट या मतलब वो उनकी आदत होगी प्रॉब्ली, पता नहीं। बट यस, अगर किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। ज्वेलरी वाला शॉप देख लेती हूँ क्या अच्छी है या ज्वेलरी। यहाँ पर 100 का है और ये 60 का है। भाई इसका क्या प्राइस है? इसका 100। ओ वाह, 100 खूब छान। ठीक है भैया ये वाला दे दो, मैं ये वाला ले लूँ फर्स्ट। बोनी हो गई मेरी पूना में तुलसी बाग में। 100 रुपीज़। हाँ उनकी बोनी हो गई। ओके ये ले लो। टिकले का कितना बड़ा शॉप है। ये होलसेल है या रिटेल है? रिटेल के लिए है। ओह वाह नाइस। मुंबई में इतना बड़ा शॉप नहीं देखा था मैंने, ओनली टिकली के लिए। कितने का है ये? कौन सा है? कितने है? 150 ला काय? 150 ला देता एवढं? 90% स्टार्टिंग आहे आपल्याकडे बघू। कोणती 90% आहे? सगळे 90 रुपये। हे 90 ला? अच्छा। आणि हे हे 90 रुपये ला। कानातलेच आहेत ना? बुगडे आहेत ते? अच्छा बुगडे। आणि कानातले पण वापरू शकता? हां कानातले पण वापरता ना। वाव सी ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो ये वाले, हे कितीला आहे? 100 रुपये। ये 100 ला है। ओके, तुमचं शॉप नेम काय? मेघना नॉवेल्टीज। मेघना नॉवेल्टीज। इनके पास ये वाले कलेक्शन बहुत अच्छे लगे मुझे। हे लवकर निघणार नाहीत ना? नाही पॉलिश निघत नाही मॅडम, क्वालिटी चांगली आहे। हे दादा काढ नाही वाले। अच्छा वरचे छोटे का 120 ला तो? ओके ना 120 वाले, 140। अच्छा ओके। जनरली जो पूना में रहते हैं ना उन लोग को जनरली बोलेगी इनके पास जो मुंबई में जो मिलता है, मैं जो जहाँ से भुलेश्वर मार्केट से लेती हूँ ज्वेलरी, तो ये इनके पास रहते। आप तुम्हें कुठून घेऊन येता ज्वेलरी? मुंबईवरूनच। मतलब पूना के लोग को वहाँ पर जाना नहीं होगा तो यहाँ से आ रहे। मटेरियल से बनाते हैं ना, फैब्रिक वाला वो भी है। फैब्रिक से कितने लाए? फैब्रिक का 90। नॉट बैड। 70 लाए? ओके 70 ला। तुम्हें ऑनलाइन देता का? अच्छा ये ऑनलाइन भी देते? ओके। ओ माय गुडनेस, सी दिस, वाओ। जनरली बहुत अच्छा है इनके पास। सी दिस ये वाला, उसके बाद ये बहुत अच्छे, बहुत यूनिक यूनिक कलेक्शन है ऐसे। वाह यार ज्वेलरी की स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी होगी। सी दिस ये भी, तो ये 220 वाले। ओके और ये वाले 300 का। ओके ये बहुत अलग है, ये सारे बहुत अलग अलग है इनके पास, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप ऐसा हो गया जो मैंने अहमदाबाद में देखे थे वो वाले हैं सारे इस तरह के। उसके नीचे भी है दिस वन। यहाँ पे क्या प्राइस है इसके? 570। वहाँ से मैंने 510 का लिया, बाद में एंड में दिखा दूंगी जो कुछ लिया वो मैंने। अब ठीक है आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा देख लेती हूँ क्या क्या मिल रहा है वो, मतलब आपको भी पता चलेगा फिर। यहाँ पे एक्चुअली मुझे लग रहा है एक्सेसरीज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये तुलसी बाग में, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा एक्सेसरीज ही मिलती बैग्स के लिए। ये कितने ला है? 1300। कितनी? 1350। 1350 का है वो। ओके ये लास्ट एंड में था शॉप जो बैक का है वो एंड में इतना ही है। यहाँ पे शॉप का नेम क्या आपका? सॉरी श्री ज्वेलर्स। ओके, छोटे वाले नहीं है सारे, बड़े वाले क्लचेस। ये वाला ले रही हूँ 130 को, बहुत अलग लग रहा है बिकॉज फटाफट दिखा रही हूँ बिकॉज आगे और देख रहे हैं मुझे, इसलिए फटाफट लेके फटाफट जा रही हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जूम इन कर लेना, वैसे टॉप्स मिलेंगे आपको। साइजेस कितनी होगी? 5XL तक दिखाओ। 5XL वाला कौन सा होगा? ये क्यों बता रही हूँ बिकॉज यहाँ पे जो एक्चुअली जो पुणे में लोग रहते हैं उनको हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैं डिटेल वाइज बताने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा 250 का आएगा ये। 3XL है जो अंदर की साइड नहीं, नॉर्मल बेसिक वाला है ये 250 का। और वैसे 250 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? और ये इतना ऐसा आएगा ये, ठीक है। क्वालिटी मतलब वैसे ठीक ठाक ही है, ऐसा आएगा ये। अंदर की साइड से कवर किया है उसको, जो वर्क किया है ना उसको। अच्छा ओके, ये कितने का आएगा? 300 का आएगा, 350 का। ओके से स्टार्ट है 200, 250, 350। अच्छा ओके, नहीं प्लस साइज का पूछ रही हूँ मैं। 300 प्लस साइज, ओके प्लस साइज 300 से आएगा बोल रहे हैं। और ये 5XL तक आएगा। अंदर के साइड से दिखाती हूँ मैं कैसा आएगा वो। आपका शॉप का नेम क्या भैया? मनीषा सातपुते। कहाँ पे है ये? यहाँ पे ही ऐसा ही है, इतना ही है। अच्छा बोर्ड है, लगाया नहीं है। भैया शॉर्ट टॉप कितने का आएगा ये वाला? 150। कलर प्रिंट की गारंटी। टैग कैसा, कौन सा वाला टैग? लाडली करके टैग लगा हुआ है। अच्छा लाडली करके, ओके। तो इसका कलर नहीं जाता? कलर प्रिंट कुछ भी जाएगा तो आपका पैसा रिटर्न दिया जाएगा। फिर से बोलो, क्या बोले? कलर प्रिंट कुछ भी जाएगा 2 महीने के बाद भी लाएंगे तो रिटर्न दिया जाएगा। इसमें ये साइजेस कितने तक आएगा फिर? 5XL वाला ही बड़ा बता दो कौन सा आएगा। अच्छा 150 से 200 तक ये। वाह यार, अच्छा ऑप्शन है फिर यहाँ पे शॉर्ट कुर्तीज़ के लिए, मतलब जीन्स के ऊपर। ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे आ जाओ। देखो दिस वन, यहाँ पे ऐसा आएगा, ये एक है, उसके बाद ये एक आएगा, ये एक है ये वाला। अच्छा इसके अंदर हाथ हो गए ना? अच्छा ओके, हाथ है अंदर के साइड में ये इस तरह के। पर ये श्रिंक नहीं होगा ना वॉश करने के बाद? थोड़ा तो होगा लेकिन ज़्यादा। अच्छा थोड़ा बहुत होगा, हाँ हाँ हाँ। इसका क्या प्राइस आएगा ये वाले का? 300। अच्छा ओके 300 आएगा। कम नहीं होगा क्या? कम होगा ना, ओके। ये वाला भी मैं जाऊँ ना चप्पल खा लूँ? ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ ये वाला, ये एयरिंग ही है ना, बुगड़ी है का? तो यहाँ से ऐसा आएगा, बट ये नहीं जाएगा उस पर। कितनी ला है? 100 ला। हेयर के ऊपर लगाते हैं ना वो है ये, मतलब खोपा या फिर किसी के ऊपर लगाना होगा तो। हेचे प्राइस काय येणार? 250, 300, 100। अच्छा 150, ओके। 100चं कोणतं म्हणालात तुम्ही? अच्छा विदाउट वाला है ना वो 100 में आएगा। अच्छा ओके, न्यू बॉम्बे कल कंगन के सामने है ये वाला, न्यू बॉम्बे कंगन दिख रहा होगा आपको सामने। ये न्यू लेडीज़ पैराडाइज लिखा है ना, यस। तो वहाँ से उस साइड चल रही हूँ, मतलब यहाँ पे बापा का मूर्ति होगा तो उस साइड नहीं जाना है हमें। पहले तो मैं इस साइड जा रही हूँ और वहाँ से दिखा रही हूँ। अगर मेरे मतलब मेरे जो लोग मतलब मेरे वैसे जा रहे हो ना तो मैं बता रही हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाओगे इसलिए। गाउन्स आई मीन गाउन्स है सारे। कितने लेते? 150, 200, 250। ओके फिक्स रेट है क्या? होलसेल भाव, ओके। साइज कितने कशी येणार? हाईज रेग्युलर साइज, फ्री साइज? हाँ दाखवा, फ्री साइज असतो फिटिंग करून। अच्छा ओके फ्री साइज आएगा, ओके ग्रेट। इसका कलर नहीं जाएगा ना? कलर नहीं, कलर का गारंटी मैडम, कलर का गारंटी है, ओके। अंदर की साइड से ऐसा आएगा ये। अच्छा 350, 550, ओके। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? क्वालिटी का डिफरेंस है ना। अच्छा ये ओ ये सॉफ्ट है, हाँ हाँ ये सॉफ्ट है, नॉट बैड, सॉफ्ट है ये वाला। ये कितने का आएगा? ये 350 का आएगा, ओके। 350 वाला एक्चुअली सॉफ्ट है उससे, जो उन्होंने 150 वाला बताया ना उससे, ठीक है। आगे बढ़ते और आगे दिखा देते और क्या है वो। ये बहुत अलग लग रही है ये वाली। कितनी लगी? 70। वाओ देखो, एक क्यूट है ये, यूनिक है। और ये कितने का बोला आप? 130। इसमें बड़ी साइज नहीं आएगी क्या आपके पास? अच्छा ये ओके, बोहो बैग टाइप आएगा, ओके। वैभव लक्ष्मी मार्केट। वैभव लक्ष्मी मार्केट, मतलब यहाँ अभी यहाँ पर ऊपर बोर्ड लिखा है ना, पर वो गया शायद तो दिख रहा नहीं है। यहाँ पे इनके पास बैग्स एक्चुअली बहुत अच्छे लग रहे हैं यार मुझे। ये कितने तक आएगी? हाँ ही कितने लेणार? 200 रुपये 250 250। वाह यस, देखो यहाँ से क्या प्राइस है उसका? आपका है क्या? आपका नहीं है? 50। सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? क्या प्राइस है लेंगे का? वो बाहर आत मिले तो कितने है? वो है ना 1650 का अंदर देख। अच्छा 1650 स्टार्टिंग क्या लेंगे कि यहाँ पे? 1350 से स्टार्ट है, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा 1350 का उसमें आपको डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। आपको एक 1350 वाला बता देती हूँ आप। ओके ये 1350 वाला लेंगे, ठीक है। मैं एक बता रही हूँ बिकॉज किसी को लेना होगा पुणे में, इसलिए। इसकी साइज कितने तक आएगी? फ्री साइज 1850 और ये 1750। ओके तो इसमें ये होगा ना, मतलब ब्लाउज के हैंड्स आएंगे ना रेडीमेड है, खाली साइज ऊपर फिटिंग करना है। अच्छा ऊपर फिटिंग करके मिलना। ओके ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, गरा रहा है। तो इसका क्या प्राइस आएगा? जो पैंट है ये आपको है ऐसे तो 1450 का। हाँ डिस्काउंट करके आपको 1150 में बैठेगा। 1150 में विद ओढ़नी। कपड़े का गारंटी आएगा। कपड़े का गारंटी आएगा? गारंटी मतलब क्या बोल रहे हो? कलर गया कुछ भी ऐसा हुआ तो आप रिटर्न लेके आओ, आपको एक्सचेंज करके मिलेगा। इतना एक्सचेंज है, मुझे सब लोग बोल रहे कि एक्सचेंज करके मिलेगा, पर जेन्युइनली आप देते हो? नहीं एक्सचेंज पक्का अपना, कभी भी आओ, ऐसा नहीं कि दूसरे शोरूम का महीने का रहता है अपना लाइफ टाइम। कभी भी आओ 2 महीने 2.5 महीने कभी भी आए तो एक्सचेंज करके मिलेगा। वाओ पैटर्न में आपने को पूरा डिस्काउंट रहता है और अपना बिल भी मिलेगा, बिल के साथ आप। अच्छा बिल के साथ मिलेगा, ओके। तो बिल लेके आना। और इसमें साइजेस क्या आएगी फिर? साइज में आपको मिलेगा एम साइज से M XL XXL सब मिलेगा। XXL फ्री साइज मिलेगा। अच्छा मतलब XXL तक ही मिल जाएगा बोल रहे हैं, इन शॉर्ट गरारा में। और कुर्तीज में? कुर्तीज में अलग अलग है, स्मॉल साइज से मिलेगा, स्मॉल एक्सएल, स्मॉल से लेके ट्रिपल एक्सएल। तो उसकी प्राइस कैसे आएगी फिर? सब अलग अलग है, 250 200 से स्टार्ट है, 200 से लगा के 350 400 जैसा आप। अच्छा ओके उस तरह क्या आएगा। और आलिया कट वाला जो ड्रेस है वो आलिया कट में आपको मिलेगा। आलिया कट में कैसा है जैकेट वाला वगैरह जो अलग अलग डिजाइन के हिसाब से। नहीं नहीं ये सेकंड अभी आलिया कट वाला है ना, ट्रेंडिंग वाला, वो 750 से स्टार्टिंग है, 750 से लगा के आपको मतलब कि। वो कितने तक आएगा? वो 750 वाला। 750 वाला उसमें भी साइज XXL तक आएगी। जैसा साइज है बड़ा उसके हिसाब से प्राइस भी बढ़ता है उसके हिसाब से। तो उसमें आलिया कट में कितनी साइज बड़ी आएगी? मैडम डबल ट्रिपल एक्सल। मतलब मैंने सब कुछ आपको बता दिया। आपका यहाँ पे शॉप का नेम क्या है? सागर कलेक्शन नाम है, तुलसी बाग का मेन तुलसी शॉप के करते हैं, सागर कलेक्शन नाम है अपना। जो मेन होलसेल रेट है अपना, होलसेल भी रिटेल है अपना, जैसे होलसेल भी होता है रिटेल भी होता है, गैदरिंग का भी है और इसका भी, दोनों का चलता है। उसमें से छोटे बच्चों का भी है ऑलराउंडर। हमारा तुलसी बाग में 7 शॉप है, उसकी सबकी गारंटी 1 पीस है। आपको कुछ भी हुआ सब 100 रुपए से स्टार्ट है अपने पास। जैसा कलर गया तो क्या पैसे गारंटी आपने को लगे रिटर्न करके आपको एक्सचेंज मिल जाएगा ना, आपको कुछ भी एक्सचेंज मिल जाएगा, पैसे नहीं रिटर्न मिल जाएंगे। कॉर्नर में दो दिख रहा है गरारा, उसकी प्राइस पूछ रही थी। ओह वाह यहाँ पे ऐसा है कि क्या प्राइस है इसका? क्या प्राइस है भैया? 800। ओके 800 फाइनल प्राइस 800। उसमें बार्गेनिंग नहीं होगी फिर? ओके अंदर के साइड देखो ऐसा है। वाह यार डबल स्टिच किया है इसको, और इसको भी दिखा देती हूँ। डबल स्टिच किया है क्या? हाँ यार इसको भी डबल स्टिच किया। सी दिस हाथ को भी दिखा देती हूँ। साइजेस कितने तक आएगी? डबल एक्सएल तक है। ओके डबल XL तक। पर इसका कलर नहीं जाएगा ना भैया? कलर नहीं जाएगा। नहीं आपका नहीं, शॉप का स्वाति बोल रहे हैं वो, स्वाति सिलेक्शन करती। ये कितने तक दोगे? 750 लास्ट, उससे नीचे नहीं। अच्छा कुछ नहीं जाएगा, गारंटी दे रहे उसकी भी। अच्छा यहाँ पे सब लोग ही गारंटी दे रहे, सब अपने अपने कपड़ों की, ठीक। अगर गया फिर भी? अच्छा रिटर्न एक्सचेंज करके दोगे? अच्छा एक्सचेंज करके देंगे। इसके स्टार्टिंग रेंज क्या रहे 1 पीस की? 1250। 1250 वाला कौन सा है? 3rd या 4th? 4th वन। ओके 4th वन 1250। उसके बाद 6 वाला 1200। और ये ब्लू वाला है वो ब्लू, और उसके बाजू वाला है वो 1450। ये वाले लहंगे ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब कॉटन के है, बहुत कूल लग रहे हैं ये। मतलब इस तरह के आएंगे ये, दूर से ही बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। 150 में है ये, और ये वंदना सिलेक्शन लिखा है इनके यहाँ पे है। ये फिक्स रेट है ना ये वाले? हाँ, ये 150 ये ऐसे आएगी। ये कितने का आएगा? 550। ओके ये 550 में आएगा। ये प्योर कॉटन का है, प्योर कॉटन का, जो डिस्काउंट मिल जाएगा। वाह ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। सी अमेजिंग। सी दिस ये नाइन ये वीडियो बना रहे हो तो ये भी ले लो, पर ये 950 का है। ओके, ये 950 का आएगा और बहुत कूल लग रहा है। ओह माय गुडनेस। हाँ, ओपन स्कर्ट। ये सिस लास्ट टाइम मैंने देखा दिखाया था आपको दादर में शांति दूत क्लोथ मार्केट में। तो यहाँ पे ये कितने का आएगा? 550 का। यहाँ पे 550 मिल रहा है। तो इसका कलर नहीं जाएगा ना? नहीं। आज मुझे बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स मिले हैं यार तुलसी बाग में। पर देखो ये जो मैंने दिल्ली में लिया था ना, वो यहाँ पे भी मिल रहा है। इस तरह के दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे आ जाओ। देखो वो वाले दिख रहे आपको? हाँ, ये कितने का आएगा? ये 750। ये 750। मैं वाह बोल रही हूँ इसलिए पैसे बढ़ा नहीं रहे हो ना आप? नहीं, जो दाम है वही। आप मजाक कर रही। कूल लग रहा है, बहुत कूल लग रहा है जेन्युइनली। ये भी बहुत अलग। यहाँ पे अरे कॉटन के बहुत अच्छे मिल रहे हैं यार। काय तुम्ही पुणेकर यार, कॉमेंटमध्ये मला सांगत पण नाही, सजेस्ट पण करत नाही। एवढे छान मिळतात तुमच्याकडे। बहुत अच्छा शॉप मिला है कॉटन के लिए। इनके पास फिक्स रेट है, कम करते हो ना आप? अच्छा, मार्जिन किया जाएगा ना। ओके, शॉप का टाइमिंग क्या आपके? 10 बजे तक, रात को 10 बजे। 10 से 10 ऑल डेज ओपन? यस। मंडे संडे बंद रहता है? ऐसा कुछ नहीं, मार्केट संडे में हाउसफुल रहता है। पीछे के साइड से ही प्लेन आएगा। इसका क्या प्राइस आएगा? ये हाउसफुल लेवल है 520। अच्छा, 525 का है ये। तो इसमें कम होगा ना? हाँ, इसमें कम होगा। ओके, इसमें कम हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो कैसे वेयर करते हैं मतलब आपको समझेगा। हाँ, ये वाला भी है इसमें, और ये वाला है, और एक ब्लैक वाला भी है। तो मैं इसमें जो चूज़ कर लूँ तो कौन सा अच्छा लग रहा है? 480 लास्ट प्राइस है। उन्होंने मैंने 450 बोला, बट वो नहीं बोले। क्या आते हो ये वाले? सब अलग अलग जगह से आते हैं। कुछ जयपुर से डायरेक्ट भी आता है, कुछ बॉम्बे से, जयपुर बॉम्बे सूरत अहमदाबाद से भी आता है। ओके, 800 तक। तो चिकन करी का रेट्स क्या लगाते हो यहाँ पे? इसमें हाँ, 650 का रेंज है। 650। साइज क्या आएगा फिर? इसमें आपको मिल जाएंगे, सारे साइजेस मिलेंगे। मतलब 38, 40 से लेकर आपको तकरीबन 54 तक साइज मिलेगा। 54 तक। ओके, मतलब पुणे के जो लोग हैं किसी को एक्चुअली जी होगा मेरे पास हैंड वर्क वाले, तो वो भी मिल जाएंगे। हाँ, सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अभी फिलहाल के लिए तो यहीं पे वीडियो एंड कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे और बहुत कुछ है देखने के लिए, बट सब कुछ दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरे और से जितने अच्छे अच्छे शॉप्स लगे मुझे पर्सनली, मतलब लास्ट टाइम मैंने ना आपको, अब मैं यहाँ पे ज्वेलरी का भी दे रही हूँ। इस टाइम मैंने ज्वेलरी का ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बिकॉज वहाँ पे सेम ज्वेलरी थी। ऐसे गिन चुन के जो शॉप्स थे वहाँ पे जेन्युइन अच्छे जो कलेक्शंस दिख रहे थे ना, वो वाले सारे मैंने दिखा दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना। अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स आया तो जेन्युइनली मैं फिर से एक बार आपके लिए पूना में आऊँगी और तुलसी बाग पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके आपको दिखा दूँगी, ठीक है। एंड और कुछ सजेशंस हो गए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। तो आप मंडे के दिन बताना, बाकी दिन आ सकते हो 10 से लेकर 10 बजे तक, ठीक है। तो मिलते हो मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।